आरजेसी न्यूज़ हम कराएंगे आपको सच से रूबरू। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के निर्देश पर चलाए जा रहे कार्यकर्ता सम्मेलन, जिसमें सिद्धार्थनगर जनपद के खेसरा में भारतीय जनता पार्टी के बूथ कार्यकर्ता ने एक बैठक की अध्यक्षता। राजदेव चतुर्वेदी ने सभी कार्यकर्ता का स्वागत करते हुए कहा कि हमारी एकता ही संगठन की मजबूती है। कार्यकर्ता का संचालन भाजपा के जिला महामंत्री दिलीप चतुर्वेदी ने किया। कार्यक्रम में भाजपा के जिला प्रभारी अशोक सिंह का अंगवस्त्र और फूल मालाओं से स्वागत किया गया। वहीं बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन में मुख्य सांसद जगदम्बिका पाल ने श्याम प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा का दीप प्रज्वलित कर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए कार्यकर्ता में जोश भरने का काम किया और 2019 को फतेह करने की अपील की। मीडिया से बात करते हुए सांसद ने कहा कि कलकत्ता में 22 संगठन, 44 नेता इनमें सब हैं। प्रधानमंत्री के दावेदार संगठन को बताया चूचू का मुरब्बा और खिचड़ी, बताया खिचड़ी जनता खा चुकी है, गठबंधन का क्या हर्ष होता है जनता देख चुकी है। बस भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी, दूसरी पार्टियां व्यक्ति आधारित पार्टियां। अगर आज बहुजन समाज पार्टी में मायावती जी उस पार्टी से अलग हो जाए तो बहुजन समाज पार्टी का कोई उत्तराधिकारी नहीं। यही समाजवादी पार्टी में, कांग्रेस में परिवारवाद है, लेकिन एक भारतीय जनता पार्टी है जिसमें एक जमीन का कार्यकर्ता जो कभी पिता की उंगलियां पकड़ करके चाय बेचने का काम करते थे, आज वो नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री, आज राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह है। कल कौन कार्यकर्ता प्रदेश अध्यक्ष होगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा, प्रधानमंत्री होगा, ये केवल भारतीय जनता पार्टी में तय नहीं और जगह परिवारवाद है। इससे साफ है कि आज यहाँ बूथ स्तर के कार्यकर्ता को हम लोग देवतुल्य कार्यकर्ता। संगठनों का जो सम्मेलन कलकत्ता में हुआ ममता बनर्जी के, उसमें शत्रुघ्न सिन्हा भी गए, वो भी भाजपा के हैं, उससे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए 22 संगठन थे, 44 नेता थे, ये तो बताएं कि दल अनेक, नेता अनेक, प्रधानमंत्री भी अनेक, तो जब उनका कोई स्पष्ट नहीं है कि कौन उनका प्रधानमंत्री का उम्मीदवार होगा, तो ये तो केवल चूचू का मुरब्बा या कह लें खिचड़ी है, और खिचड़ी रोज नहीं खाई जाती। खिचड़ी लोग खा चुके हैं, इसके पहले भी गठबंधन अतीत में लोग देख चुके हैं कि गठबंधन का क्या हश्र होता, वही हश्र फिर होगा।